ये है इकबाल इब्राहिम कास्कर। लेकिन कानून के सिपाहियों की नजर इसे मुंबई के डॉन और अंडरवर्ल्ड के भाई दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई के तौर पर देखती भी है और उसे पहचानती भी है। इसी इकबाल कास्कर ने दाऊद इब्राहिम की पूरी कुंडली ही पुलिस और भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के सामने खोल कर रख दी। सामने आया इकबाल कास्कर का कबूलनामा। एनसीबी ने इकबाल की रिमांड लेकर की थी पूछताछ। इकबाल ने दिया दाऊद और छोटा शकील का पता। जावेद चिकना के बारे में इकबाल कास्कर का खुलासा। इकबाल ने खोल दी दाऊद की डी कंपनी की पूरी कुंडली। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल इब्राहिम कास्कर ने एनसीबी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। दाऊद के छोटे भाई ने बता दिया है कि अंडरवर्ल्ड का भाई दाऊद कहां छुपा हुआ है। असल में दाऊद के भाई इकबाल को जून 2021 में मुंबई एनसीबी ने ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। इकबाल से मुंबई एनसीबी ने जेल से रिमांड पर लेकर पूछताछ की। उसी पूछताछ में जब इकबाल ने मुंह खोला तो पूछताछ कर रही जांच एजेंसी के अधिकारियों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि इकबाल ने एक तरह से डी कंपनी की पूरी कुंडली ही खोल कर रख दी। उसने डी कंपनी के जितने भी बड़े भाई हैं सभी का कच्चा चिट्ठा जांच एजेंसी के सामने रख दिया, और वो भी इस चैलेंज के साथ कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का सबसे लेटेस्ट डिस्क्लोजर आज तक के पास मौजूद है, जिसमें इकबाल कास्कर ने कबूल किया है कि दाऊद इब्राहिम छोटा शकील अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के क्लिफ्टन इलाके में ही रहता है। इतना ही नहीं, इकबाल कास्कर ने यह भी खुलासा किया है कि मुंबई बम धमाकों का एक आरोपी जावेद चिकना, जो दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी है, पाकिस्तान में ड्रग का कारोबार करता है। एक बार पाकिस्तान अथॉरिटी ने जावेद चिकना को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर दुबई में भी अपना सिंडिकेट चलाता है। इकबाल ने ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये बताया कि दाऊद के साथ साथ उसका सबसे खास छोटा शकील, दाऊद का छोटा भाई अनीस इब्राहिम और जावेद चिकना, ये सभी पाकिस्तान में ही छुपे बैठे हैं। 1993 मुंबई धमाकों के सबसे बड़े कर्ता धर्ता जावेद चिकना के बारे में इकबाल ने बताया कि वो पाकिस्तान में ड्रग्स का धंधा कर रहा है और खाड़ी के देशों से होता हुआ उसका कारोबार दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। लेकिन जावेद चिकना के बारे में जो एक बात इकबाल ने जांच एजेंसियों को बताई वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। इकबाल के कबूलनामे के मुताबिक जावेद चिकना ड्रग्स का धंधा करते हुए पाकिस्तान में गिरफ्तार भी हो गया था, लेकिन कुछ रोज जेल में रहने के बाद वो बाहर भी आ गया। हाल ही में 4 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम के करीबी को गिरफ्तार किया था। ये छोटा शकील का रिश्तेदार था। आरोपी का नाम है मोहम्मद सलीम मोहम्मद इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट था। मुंबई सेंट्रल के अरब लेन में एमटी अंसारी मार्ग पर मीर अपार्टमेंट में रहता था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक आरोपी डी कंपनी का काम देख रहा था। असल में एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम छोटा शकील के करीबियों के खिलाफ 3 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। एनआईए की एफआईआर में दाऊद इब्राहिम कास्कर उर्फ दाऊद भाई और उसके साथियों के नाम थे। एफआईआर में इन लोगों के खिलाफ तस्करी, नार्को टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए फंडिंग का जिक्र खास तौर पर किया गया है। इसके अलावा दाऊद के खिलाफ आतंकी संगठनों जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसों के साथ भी हाथ मिलाने का इल्जाम है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।